अवसर पर धमकाने और वसूली के आरोप कारोबारी, बोला इससे बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस को होगा फायदा। कीमोथेरेपी से पहले युवती ने कर ली खुदकुशी, मां की साड़ी से बनाया फंदा और दे दी जान। बार रेस्टोरेंट में एसडीएम ने दी दबिश, अवैध शराब बेचने की शिकायत पर आईएएस अफसर ने मारा छापा। एक सीरीन से लगा रहे थे चार चार लोगों को इंजेक्शन, आईएएस लक्ष्मण तिवारी ने मारा छापा। सफाई के कामों में लापरवाही बरतने वाले 8 कर्मचारी सस्पेंड, निगम आयुक्त रोहित व्यास ने की कार्यवाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिला के नवागढ़ में वकील ने अधिकारी का फर्जी आदेश कर अलग अलग 3 प्रकरणों में 12 लाख रुपए के आदेश जारी कर दिए थे। मामले का खुलासा कलेक्ट्रेट कार्यालय में संबंधित विभाग के लिपिक ने किया। दस्तावेज में कुछ कमी पाकर मामले का परीक्षण किया तब इस घोटाले का खुलासा हुआ, जिसके बाद वकील ने फर्जी पत्र क्रमांक डालकर शाखा प्रभारी संयुक्त कलेक्ट्रेट का हस्ताक्षर कर 3 मामलों में 4-4 लाख के कुल 12 लाख रुपए का आदेश जारी कर दिया। मामले की जांच के बाद जांजगीर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय जिला जांजगीर चांपा में पदस्थ प्रार्थी उमेश साहू सहायक ग्रेड 2 के द्वारा थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि तुलसीराम घृतलहरे, जो पेशे से वकील है, उसके द्वारा आकस्मिक मृत्यु के प्रकरण में शासन द्वारा दिए जाने वाले सहायता राशि के कुल 12 लाख रुपया का फर्जी प्रकरण संयुक्त कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर से तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट पर से थाना जांजगीर में धारा 420, 467, 468 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जगदलपुर में बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में नगर निगम के नियमितीकरण को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें भारी मात्रा में कई वर्गों से लोग उपस्थित हुए। इस कार्यशाला में कई गंभीर बिंदुओं पर चर्चा हुई, साथ ही नियमितीकरण को लेकर समस्त नियमों पर चर्चा कर जानकारी प्राप्त की गई। वहीं महापौर, नगर निगम आयुक्त और नगर निगम की टीम के मार्गदर्शन पर इस कार्यशाला को सम्पन्न किया गया। आज नियमितीकरण को लेकर बस्तर चैम्बर में बैठक रखी गई थी, जिसमें हमारे कमिश्नर, हमारे सभापति महोदय सभी उसमें उपस्थित थे और बहुत ही कम बिंदुओं पर बात हुई, जो बहुत ही गंभीर है। और इसमें बहुत अच्छी बात ये हुई है कि सभी हमारे जो चैम्बर के पदाधिकारी, उन्होंने कहा कि हम इसमें जरूर मदद सहयोग करेंगे। उन्होंने पूरे नियमों को जाना, हमारे अधिकारीगण ने नियम को बारीकी से बताया और कहीं ना कहीं जो हमारे शासन की योजना है नियमितीकरण को लेकर बहुत ही शिथिल करने का प्रयास किया गया है और आसान किया गया है। और इसमें हमारे जो बस्तर चैम्बर के जितने भी पदाधिकारी, आज नगर निगम के द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई, जो कि अवैध निर्माण के रूप में जो अनियमितता थी उसको लेकर जो नियमितीकरण किया जा रहा है, तो सभी व्यापारी भाइयों और हमारे जितने जो दूर दराज के ग्रामीण हैं उन तक ये बात पहुंच जाए हमारे सभी सदस्यों को, इसको लेकर एक आज कार्यशाला जिसमें आदरणीय महापौर मैडम सबीरा साहू जी, आयुक्त, कमिश्नर नागसर, नगर निगम की पूरी टीम के साथ एक एक बिंदु पे नियमितीकरण कितने वर्ग फुट में होगा, 120 स्क्वायर मीटर में जितना निर्माण हुआ है उसके अलावा किसी प्रकार का जो हुआ है उस पर कैसे शुल्क लगेगा, इस पर विस्तृत एक जानकारी, साथ ही सभी व्यापारी भाइयों ने अपनी अपनी समस्याओं से उनका समाधान पूछा।
आरापुर में ग्रामीणों के पास पीने के लायक साफ पानी भी नहीं है, जिसके चलते लोगों को मजबूरी में कई मीटर दूर जाकर पीने के लायक पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। जबकि वहां 2016 में नवीन बोरिंग की खुदाई कर साफ पीने लायक पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जानी थी, लेकिन वह बोरिंग कभी संपूर्ण ही नहीं हुआ। ये लापरवाही से बढ़कर सरकारी धन की बर्बादी है, क्योंकि बोरिंग कागजों में संपूर्ण हो चुका है। आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि छोटे आरापुर ग्राम पंचायत बड़े आरापुर में बोर खनन 2016-17 के आसपास में हुआ था, और जिसमें मोहल्ले वाले परेशान हैं क्योंकि बोर को मनवाने के नाम से लेके गए थे और अभी तक जो है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैं जानकारी इकट्ठा करके इस प्रकरण पे अपना संज्ञान लूँगा और उसके बाद जो है उनके मोहल्ले वालों के समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये प्रकरण मेरे समक्ष आप लोग लेके आए। बड़े आरापुर पारा छोटे आरापुर ये पानी का बहुत समस्या है। अब बोरिंग अभी यदि यहाँ पे खुदवाए हैं तो कितना दिन हुआ पानी नहीं निकला है, और यहाँ पे ना अब पंचायत से भी ध्यान दे रहे हैं लेकिन ब्लॉक वाले भी एक बार सूचना दिए थे लेकिन आए नहीं। अभी हम लोग ना इधर उधर करके पानी का उपयोग करते हैं। अब देखिए आप लोग ये समस्या को देखते हुए थोड़ा सा हेल्प करने की कृपा करेंगे। जगदलपुर में अवैध शराब की तस्करी करने वाले दो युवकों पर पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त कार्यवाही हुई। दरअसल पुलिस को अवैध शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम तैयार कर चौक पर नाकाबंदी की गई, जहां एक युवक डिस्कवर वाहन के पीछे 3 कार्टून को पॉलीथीन से ढक कर लाता मिला, जिसे चेक करने पर 150 नग 27 बल्क मीटर मिला, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल पे अंग्रेजी शराब मध्य प्रदेश का गोवा ब्रांड वाला शराब लेकर बिक्री करने हेतु जगदलपुर की ओर जा रहा है, जिस पर थाना कोतवाली एवं आबकारी विभाग की एक संयुक्त टीम के द्वारा घेराबंदी की गई और आरोपी लुक्तेश्वर सिन्हा को उदालगांव के आसपास में घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 3 कार्टून अंग्रेजी गोवा ब्रांड की शराब जब्त की गई। उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 2 कार्टून और शराब अपने दोस्त सुदरन मौर्य के घर पे रखा है, जिसके निशानदेही पे उन 2 कार्टून शराब अंग्रेजी शराब गोवा ब्रांड को भी जब्त किया गया। इस प्रकार कोतवाली पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को 45 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जो गोवा ब्रांड का है उसे जब्त करने में सफलता मिली, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 26,000 रुपये आकी गई है। जगदलपुर में चैत्र नवरात्र मनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने बैठक का आयोजन किया। श्री राम जन्मोत्सव मनाने के लिए समस्त हिंदू समाज और हिंदू संगठन की उपस्थिति में बैठक रखी गई, जिसमें राम जन्मोत्सव के संबंध में रूपरेखा तैयार की गई। वक्ताओं ने बताया कि शहर में पहली बार मातृशक्ति की स्कूटी रैली निकली। आज जो बैठक हो रही है रामनवमी के संबंध में सभी समाज प्रमुखों के उपस्थिति में आज यहाँ पर नवरात्रि के समय जो भी कार्यक्रम होना है उसकी पहले योजना बनाई जाएगी। पिछले वर्ष जिस प्रकार रामनवमी में भव्य शोभा यात्रा रामनवमी के दिन निकली थी और पहले दिन से लेकर के 9वें दिन तक जिस प्रकार से कार्यक्रम हुए थे उसी प्रकार की योजना बनाकर आगे के कार्यक्रम को करने के लिए आज यहाँ पर बैठक सुनिश्चित की गई है। विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान पर आज की ये बैठक समाज प्रमुखों के साथ आहूत की गई है। जिस प्रकार से विगत वर्ष में रामनवमी की शोभा यात्रा एक भव्य रूप में निकली थी, वैसे आने वाले 30 मार्च को भी ऐसी ही भव्य यात्रा निकले, इसके लिए समाज के समस्त प्रमुखों के साथ हम आज की बैठक आहूत किए हैं। जगदलपुर में होली त्योहार को देखते हुए शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण होली के उद्देश्य से जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया, जिसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में कई वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटियों पर विशेष अभियान चलाया गया। जिला के ऐसे अपराधी जो अपराध करके फरार चल रहे थे उन पर माननीय न्यायालय ने स्थायी वारंट जारी किया था। ऐसे फरार वारंटियों पर विशेष अभियान के तहत धरपकड़ कार्यवाही किया गया, जिसके बाद 56 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। पूरी तरह से सजग है, जिससे कि
होली का त्यौहार जो है वो शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा सके, इसके लिए बस्तर पुलिस ने निरंतर पेट्रोलिंग की संख्या, जिसमें वाहन पेट्रोलिंग और बाइक पेट्रोलिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो चेक पॉइंट होंगे, स्टैटिक पॉइंट, उसकी भी संख्या होली के दरमियान 6, 7 और 8 के लिए बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ जो निगरानी बदमाश है, गुंडा बदमाश है, इनकी चेकिंग की जा रही है और इनके बारे में तफ्तीश की जा रही है कि अभी क्या करके ये गुजर बसर कर रहे हैं। इसके अलावा बस्तर पुलिस जो अस्थाई वारंटी है, गिरफ्तारी वारंटी है, इसके तामली हेतु भी अभियान चलाया। इनफैक्ट पिछले एक रात को जो अभियान चला था उसमें कुल 43 अस्थाई वारंटी और 13 गिरफ्तारी वारंटी तामली की गई है और उनको न्यायालय में पेश किया गया है। जगदलपुर में 9 दिवसीय योग विज्ञान शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर में बीपी, शुगर, तनाव, अनिद्रा जैसे रोगों का निदान योग एवं प्राणायाम से मिलेगा। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज, आचार्य बालकृष्ण जी और पतंजलि योग पीठ के मार्गदर्शन में पतंजलि योग शिविर के 55 से अधिक जगहों में निःशुल्क 9 दिवसीय योग विज्ञान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो की अब तक आयोजित सर्वाधिक योग शिविर का आयोजन है।